पूरे स्टार्स में जंग हमेशा छिड़ती ही रहती है। वैसे भोजपुरी स्टार्स हमारे जो हैं वो बड़े ही प्यारे हैं, लेकिन भाई हर एक स्टार की अपनी एक अलग कहानी है। वैसे भोजपुरी स्टार्स में स्टेज शो बहुत ही पॉपुलर है। आपको बता दें कि हर एक स्टार का स्टारडम ही उसके स्टेज शो की कीमत तय करता है, और भीड़ इस स्टेज शो की गवाह रहती है कि वो स्टार कितना पॉपुलर है। आजकल अक्षरा सिंह भी भोजपुरी स्टार्स को टक्कर दे रही हैं स्टेज शो के मामले में भाई। लेकिन आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं, आपको बताने वाले ये हैं कि सबसे महंगा स्टार कौन है जो कि स्टेज शो में सबसे ज़्यादा भीड़ जुटाता है और सबसे ज़्यादा पैसा लेता है। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पांचवें नंबर पर है अरविंद अकेला कल्लू। जी हाँ, अरविंद अकेला कल्लू के स्टेज शो में भी अच्छी खासी भीड़ जुटती है, और एक स्टेज शो करने का वो लगभग 4 लाख चार्ज करते हैं, 3 से 4 लाख चार्ज करते हैं, और स्टेज शो की डिमांड भी रहती है इनके। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर पर है रितेश पांडे। रितेश पांडे अपने गानों की वजह से कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हैं, और अब इनके स्टेज शो में भीड़ इतनी जुटने लगी है उसे देखकर ये लगता है कि स्टार से सुपरस्टार की रेस में रितेश पांडे बहुत तेज दौड़ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि रितेश पांडे भी एक स्टेज शो करने का 4 लाख रुपये ही लेते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, यानी नंबर 3 पर है दिनेश लाल यादव निरहुआ। दिनेश लाल यादव निरहुआ भी स्टेज शो जमकर करते हैं, लेकिन पहले के सालों में वो कुछ ज़्यादा स्टेज शो किया करते थे, अब अपनी फिल्मों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और स्टेज शो थोड़े कम कर दिए हैं, लेकिन फिर भी एक स्टेज शो करने का वो 5 लाख लेते हैं। अब बढ़ते हैं हम नंबर 2 की पोजीशन पे, नंबर 2 और नंबर 1। भाई नंबर 2 और नंबर 1 इसलिए हम एक साथ बोल रहे हैं क्योंकि कभी नंबर 2 पे खेसारी रहते हैं और नंबर 1 पे पवन सिंह, और कभी नंबर 1 पर खेसारी रहते हैं और नंबर 2 पर पवन सिंह। इन दिनों पवन सिंह की डिमांड कुछ ज़्यादा ही हो गई है, और खेसारी लाल यादव बिग बॉस में गए थे जिसके वजह से उन्होंने अपने कई स्टेज शो लगातार कैंसिल किए, इसलिए खेसारी लाल यादव एक स्टेज शो करने का लेते हैं 7 से 8 लाख रुपए। और इनके स्टेज शो की बात करें तो भाई भीड़ इतनी जुटती है कि उसे बैठने भर की, या यूं कह ले तिल भर फेंकने की जगह उस भीड़ में नहीं रहती। और अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 की पोजीशन इसलिए पवन सिंह हासिल कर पाए हैं इस महीने क्योंकि खेसारी लाल यादव बिग बॉस के घर में थे, अदरवाइज खेसारी लाल यादव इन सभी सुपरस्टार से ज़्यादा स्टेज शो करते हैं। लगभग आप महीने में 15 से 20 स्टेज शो खेसारी लाल यादव कर ही लेते हैं। हाँ, यहाँ ये आपको बता दें कि पवन सिंह पहले स्टेज शो बहुत किया करते थे, लेकिन अब क्वालिटी वाइज स्टेज शो करते हैं, और पैसे के मामले में पवन सिंह हमेशा ही सबसे आगे रहे हैं। उनका स्टेज शो करने का एक फिक्स अमाउंट है 8 लाख। जी हाँ, एक स्टेज शो करने का पवन सिंह 8 लाख, और कभी कभी ये मनी बढ़कर 10 लाख भी हो जाती है, लेकिन अमूमन वो 8 लाख लेते ही हैं। वैसे यहाँ हम आपको ये भी बता दें, कभी कभी पवन सिंह से आगे निकल जाते हैं खेसारी लाल यादव स्टेज शो करने के मामले में। स्टेज शो में खेसारी की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ये नहीं है कि पवन सिंह की डिमांड नहीं बढ़ रही है। भाई वो बेताज बादशाह है, लेकिन अगर पवन सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई टक्कर दे रहा है हर मामले में, तो कोई और नहीं खेसारी लाल यादव है। तो भाई अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन है बेताज बादशाह स्टेज शो का भोजपुरी स्टार्स में से। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।